और रही बात रिजल्ट की, तो एक बात आपको बताते हैं, रिजल्ट जब भी होगा तो वह आपके पढ़ने से होगा। कोई भी वैकेंसी में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ कुछ कम पढ़ के रिजल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या, आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या जो चाहिए वो पढ़ा है कि नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए हम तो, लेकिन आप किसी चीज में थोड़ा सा भ्रम में फंस जाते हैं, आप दूसरे को देखकर ना कॉपी करने लगते हैं कि वो लड़का 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं उठ रहे पढ़ रहे हैं। तो दूसरे का कभी नकल मत कीजिएगा। अगर हाथी जो है कंगारू को देख के छलांग मारने के लिए सोचेगी तो पैर हाथ तोड़ लेगी। घोड़ा दौड़ने के लिए बना है, उसकी कैपेसिटी उसी में है, बंदर को देख के सोचेगा पेड़ पर चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकता है। सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है। सब पढ़ाई कैसे होगी, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए। आप बस इतना टेंशन रहिए कि आप जिंदा हैं ना, आप जिंदा हैं तो आपको समझ में आएगा, कंप्लीट समझ में आएगा। भाई यहाँ तो हमको तो चेन्नई से एक दो लड़का फ़ोन किया सर कि सर हम 7th में पढ़ते हैं, आपका वीडियो समझ में आ जाता है। तो वो लोग हिंदी सही से नहीं बोल पा रहे थे, इतना फराटेदार इंग्लिश बोल रहे थे सब। तो बताइए छोटे बच्चों को समझ में आता है, तो आप लोग ऐसे थोड़ी है जो समझ में नहीं आता। बाकी पटना वाले जो हैं उन लोग को तो पता ही है पढ़ाई कैसे नहीं समझ में आएगा, बहुत सिंपल चीज़ होती है। लेकिन आप किसी चीज़ में थोड़ा सा भ्रम में फंस जाते हैं, आप दूसरे को देख कर ना कॉपी करने लगते हैं कि वो लड़का 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं उठ रहे पढ़ रहे हैं। तो दूसरे का कभी नकल मत कीजिएगा। अगर हाथी जो है कंगारू को देख के छलांग मारने के लिए सोचेगी तो पैर हाथ तोड़ लेगी। घोड़ा दौड़ने लिए बना है, उसकी कैपेसिटी उसी में है, बंदर को देख कर सोचेगा पेड़ पर चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकता है। सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, सब अलग अलग होते हैं। कॉपी मत कीजिएगा कि वो आगे निकल गया, कोई किसी अपने बारे में बताता है कि हम ऐसे पढ़ते थे। भाई सबकी अलग अलग होती है। हम आज भी दोपहर में 12 बजे सो के उठते हैं, इसलिए कोई भी वीडियो मेरा नहीं देखेंगे, शाम तक पहुंचेगा, रात के पहुंचेगा। तो क्या हमको 12 बजे सो के उठते हैं तो इसका मतलब हमारा हमको कहीं क्या नहीं रहना चाहिए, एकदम पीछे चले जाना चाहिए, मतलब हम एकदम पीछे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि लॉकडाउन की वजह से आदमी थोड़ा सा लेट से सो के उठता है, वरना क्लास था तो आदमी टाइमिंग उठता था। तो जिस वक्त आप कंफर्टेबल है उस वक्त पढ़िए, नींद को कंप्लीट लीजिएगा पढ़ाई के वक्त में, 7-8 घंटे दबा के सोइए। ऐसा नहीं है कि भोरे भोरे 4 बजे उठ गया, दिन भर भंगा रहे हैं भाई, जब 4 घंटा बचाने के लिए पूरा 24 घंटा खराब कर दिए। जब तक नींद नहीं अच्छी लेंगे आप पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई के लिए आप तो टेंशन ही मत लीजिएगा कि समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा, टेंशन बस इस बात कर लीजिएगा कि जिंदा है ना, समझ में आ जाएगा। एक और बात, कई लड़के हमसे पूछते हैं कि सर हम SSC की तैयारी करें कि रेलवे का करें कि किसके करें। एकदम गलत सवाल लगता है, बड़ा गुस्सा लगता है जब ऐसे पूछते हैं सब। आप बताइए जब फौज में कोई भर्ती होता है तो फौजियों को क्या सिखाया जाता है कि तुमको चाइना से लड़ना है, नेपाल से लड़ना है कि पाकिस्तान से लड़ना है? कुछ नहीं सिखाया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग कॉलेज में बंदूक चलाना सिखाया जाता है और उन्हें लेटेस्ट हथियार चलाना सिखाया जाता है, और उसके बाद उन्हें चाहे पाकिस्तान पे भेज दीजिए चाहे चाइना पे भेजिए, धो के चले आएंगे। अब पता चला उसको ट्रेनिंग दिए हैं कि पाकिस्तान को मारना है, सामने चला आएगा चाइना, तो उसके ऊपर तो अपने मनोवैज्ञानिक दबाव, तो वैसे ही हार जाएगा कि भाई साहब हमको ट्रेनिंग इसके लिए नहीं है। तो आप सोचते हैं कि हम रेलवे के लिए पढ़े और SSC में जाएंगे, तो अपने मन से आधा तो आप वहीं लॉस कर गए कि भाई हमने SSC के लिए तैयारी नहीं। हमारा मकसद है केवल आपको एक बेहतरीन लेवल का स्टैंडर्ड की पढ़ाई दे देना, आपको एक स्टैंडर्ड बना के रख देना कि भाई ये स्टैंडर्ड लीजिए, हमने आपको अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब आपका मन है जहां GS पूछ रहा है SSC में आप वहां फेल नहीं होंगे, जहां भी पूछे आपको UPSC में जाना है, BPSC में, रेलवे में, कहीं पर भी जाना है आप चले जाइए। ये मेरा काम नहीं है डिसाइड करना कि आपको कहां पर भेजना चाहते हैं। हाँ, कुछ चीजें की सिलेबस ही बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे रेलवे का सिलेबस और बैंकिंग का सिलेबस कंप्लीट अलग है। रेलवे मेनली फोकस करता है GS वाले पोर्शन पे, वो अलग, बट जो सिमिलरिटी चीज होती है सब उस पे ऐसा नहीं है कि भाई स्पेशली करना चाहिए आपको, आपको सिलेबस पे ध्यान देना है। हम आपको AK-47 सिखा देंगे, शिक्षा जगत का AK-47, ओरिजिनल गोली वाला नहीं, फिर आगे चाहे रेलवे आए गोली मारिए, SSC आए, कोई भी आए उड़ा दीजिए उसको। हमारा मकसद केवल आपको एक स्टैंडर्ड पे ले जाना है, समझ में आ गया। और रही बात रिजल्ट की, तो एक बात आपको बताते हैं, रिजल्ट जब भी होगा तो वह आपके पढ़ने से होगा। कोई भी वैकेंसी में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ कुछ कम पढ़ के रिजल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या, आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या जो चाहिए वो पढ़ा है कि नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए हम तो भाई साहब PhD कर रहे हैं, हम उठा के पोथा पथरी आपको PhD वाला दे देंगे तो आप तो कहेंगे बाहर भाई साहब खान साहब मास्टर तो बड़ी बुद्धिमान हो लो यहाँ पे, तो भाई आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको तो लगेगा कि नहीं हमने जानकारी बहुत दे दिया है। तो भाई PhD का चीज PhD के लिए है, आपका कंपटीशन का अलग चीज हो जाते हैं। एक लेवल रखना है ना, आपके कंपटीशन के एग्जाम में PhD वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी, वो अलग चीज होती है। तो आपको क्या चाहिए बखूबी पता है।